हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जा रहे हैं एक रमज़ान मार्केट में जो सिर्फ वन डे के लिए लगती है। हम ट्रेन से जा रहे हैं तो ये लास्ट सैटरडे जो रमज़ान का होता है उसमें अरेंज करते हैं। ट्रेन से इसलिए जा रहे हैं कि पार्किंग की कभी कभी जगह मिलना मुश्किल होती है। तो ये रमज़ान फेस्टिवल है, आपको लेके चलते हैं। ये देखिए साइड में ट्रक्स हैं, ट्रक्स जो होते हैं वो फुल फूड ट्रक्स होते हैं। इसमें ओवन, फ्रिज और सारे इनके इक्विपमेंट्स और अप्लाइंसेस होते हैं, तो इसी में वो खाना प्रिपेयर करके आपको सर्व करते हैं। और लोग जो हैं वो लाइन लगा के कायदे से जाते हैं और अपना खाना लेते हैं। तो अभी आप देखें ये स्ट्रॉबेरीज़ और चॉकलेट है, ये बहुत बच्चे पसंद करते हैं। सामने आपको नज़र आ रहा होगा बोर्ड कराची बिरयानी का, तो यहाँ कराची बिरयानी और स्टूडेंट बिरयानी के भी हैं, स्टॉल भी हैं, उनके अपनी शॉप्स भी हैं। तो देखें बच्चे आते हैं, इंजॉय करते हैं। अरबिक फूड भी है और यहाँ पे हर तरह की कुजीन हैगी, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ की। तो टर्किश बहुत पसंद किया जाता है। ये गपशप जो आपने अभी देखा पीछे वो पाकिस्तानी है, ये टर्किश है। डिफरेंट डिफरेंट तरह के फूड होते हैं यहाँ पे, उनको लोग इंजॉय करते हैं, खाते हैं आराम से बच्चों के साथ। ये इस्लामिक बुक्स का है सेंटर, यहाँ हर तरह की इस्लामिक बुक मिल जाती है। सभी देखिए इंजॉय कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। ये स्टिक वाले चिप्स होते हैं और ये बड़े अच्छे होते हैं। देखिए मेहंदी भी लग रही है और साथ ही साथ पीछे कपड़े भी हैं, पाकिस्तानी और इंडियन क्लोथ की शॉप भी है, तो लोग अपना इंजॉय कर रहे हैं। अब आपके जूस की शॉप देखिए, फ्रेश जूस की है। यहाँ आइसक्रीम और फालूदा सब मिलता है, तो हम यहाँ पर ज़्यादातर कुल्फ़ी फालूदा खाते हैं। जैसे कराची में आगा जूस होता था बिल्कुल उसी तरह के, उसी मज़े का होता है। ये बहुत टेस्टी होता है, इसमें नट्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, आइसक्रीम्स होती हैं दो तीन तरह की। ये आ गए हैं सजाने के और डेकोरेशन पीसेस, इस तरह की चीज़ें हैं। अभी इसके बाद जो आप देखेंगे वो है टर्किश म्यूज़िक। ये लोग गाते हुए आते हैं और उसके बाद फिर स्पीच देते हैं, वो बहुत ही खूबसूरत चीज़ है, इसको इंजॉय कीजिए। Okay.